हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रार एग्रीकल्चर में। आज का हम लोगों का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स माइनर। अब सुनिएगा, एक होता है माइनर क्रॉप, एक होता है मेजर क्रॉप। देखिए, माइनर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं या वो वेजिटेबल्स होती हैं जिनका प्रोडक्शन या जिनका एरिया कम लेवल पे है या कम हमारे देश में कम है कंपेयर टू मेजर क्रॉप, जैसे लिट्यूस, एस्परगस, ठीक है ना, लीक, ठीक है ना। ये कैसी क्रॉप हैं? माइनर क्रॉप्स हैं, ठीक है ना। अब सुनिएगा, मेजर क्रॉप कौन सी है? मेजर क्रॉप्स आर दोज क्रॉप विच इज ऑक्यूपाइड अ लार्ज एरिया इन अवर कंट्री। बात समझिएगा, माइनर क्रॉप्स वो क्रॉप हैं जिनका एरिया हमारे देश में बहुत कम है, और मेजर क्रॉप वो क्रॉप्स हैं जिनका एरिया हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, जिनका प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर होता है हमारे देश में। जैसे मेजर क्रॉप में आपका पोटैटो आ जाएगा, टोमेटो आ जाएगा और ब्रिंजल आ जाएगा, और भी काफ़ी वेजिटेबल्स आएंगी। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी क्रॉप को पढ़िए या किसी भी फ्रूट को या किसी भी एग्रोनॉमी वाली क्रॉप को पढ़िएगा, तो सबसे पहले आपका काम है कि उस क्रॉप के बारे में एक बार जान लें, उस क्रॉप को एक बार देख लें, समझ लें कि ऐसी क्रॉप होती है, इसका रूट है, एडिबल पोर्शन या बीज, फ्लावर है या फ्रूट्स हैं, जो भी है। तो उनका पहले डिस्कस करते हैं हम लोग। आज का पहला टॉपिक है हम लोगों का ये, जिसमें हम जानेंगे जो माइनर वेजिटेबल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और इनका कौन सा भाग हमारे यूज के लिए है। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप माइनर क्रॉप। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब सुनिए, सबसे पहली क्रॉप आपकी है आर्टिचोक, ठीक है ना, ग्लोब आर्टिचोक। अब सुनिएगा, ग्लोब आर्टिचोक जो है आपकी एक माइनर वेजिटेबल है, जिसका कि एडिबल पोर्शन क्या होता है? फ्लावर बड, ठीक है ना, जिसका एडिबल पोर्शन होता है फ्लावर बड, ठीक है ना। अब सुनिएगा, इसकी तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ग्लोब आर्टिचोक के आपके। सुनिएगा, पहला पॉइंट, इसका एडिबल पोर्शन क्या होता है? फ्लावर बड होता है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? कंपोजिटी, ठीक है ना, कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है। तीसरी बात, ग्लोब आर्टिचोक में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 34, ठीक है ना। अब सुनिए, नेक्स्ट क्रॉप आपकी आई है आर्टिचोक जेरूसलम, ठीक है ना। अब सुनिएगा, इसके बारे में सुनिएगा दो तीन पॉइंट। पहला पॉइंट, ये भी क्रॉप जो आपकी माइनर क्रॉप है और जो कि कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है ना। पर लेकिन सुनिए, ग्लोब आर्टिचोक का एडिबल पोर्शन क्या होगा? फ्लावर, ठीक। और जेरूसलम आर्टिचोक का एडिबल पोर्शन क्या होगा? ट्यूबर्स, ठीक है ना, क्या होगा? ट्यूबर होगा। अब सुनिए, अब याद कैसे आप रखेंगे, सुनिएगा। देखिए, जब आपसे बात करी जाए ग्लोब आर्टिचोक की, मतलब कि इसमें एक शब्द आएगा, देखो, गुलाब टाइप का, ग्लोब, गुलाब टाइप का। तो गुलाब का हम लोग क्या करते हैं? गुलाब का हम लोग फ्लावर यूज करते हैं। तो हमसे जो कोई पूछता है कि ग्लोब आर्टिचोक का कौन सा पोर्सन एडिबल पोर्सन था, बहुत पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? सर, इसका एडिबल पोर्सन फ्लावर होता है। अब सुनिए, अब सर इस पे आइए, इसमें देखो लिखा है जेरू, ठीक है ना। जेरू मतलब आप समझ लो जड़ से, ठीक है ना। तो इसका एडिबल पोर्शन क्या हो जाएगा? ट्यूबर, ठीक है ना, बात समझ में आई। अब सुनिए, नेक्स्ट बात सुनिए, अब सर इसके बाद आपसे कहेगा नेक्स्ट वेजिटेबल एशियन ग्रीन, ठीक है ना। नेक्स्ट वेजिटेबल है आपकी एशियन ग्रीन। अब सुनिएगा सर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसके लिए कि इसकी फैमिली पूछता है, इसकी फैमिली कौन सी है? क्रूसीफेरी, ठीक है ना, फैमिली कौन सी है? क्रूसीफेरी, ठीक है ना। अब सुनिए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में सर पूछ रहा है कि एस्परगस। अब सुनिए, एस्परगस क्या है सर?
पहले सुनिए, एस्परगस के बारे में 3 पॉइंट सुनिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट, सबसे पहला एस्परगस जो है आपका लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे? लिलिएसी फैमिली, एस्परगस। सुनिए दूसरा पॉइंट, सुनिए एस्परगस के बारे में। एस्परगस का इडिबल पोर्शन होता है स्टेम या स्पेयर्स। क्या होगा? स्पेयर्स। ठीक, तीसरी बात सुनिएगा एस्परगस के बारे में। थर्ड पॉइंट पूछेगा सर कि एस्परगस में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका सही जवाब होगा 20। ठीक है ना, एस्परगस में क्रोमोसोम नंबर 20। ठीक है सर, अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए। नेक्स्ट में सर कह रहा है कि बीन्स, सुनिए बीन्स में तो सर बहुत सी बीन्स आती हैं, जैसे आपका क्या हो गया फ्रेंच बीन, ठीक है ना, ब्रॉड बीन, लीमा बीन, डोलकस बीन, बिंगल बीन, ठीक है ना, ये सब आपके कौन सी हैं? ये सारी बीन्स हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, बीन्स के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बीन्स जो भी होंगी वो सबसे ज़्यादा रिसोर्स किसकी होंगी? प्रोटीन की। किसकी होंगी? प्रोटीन। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है बीट रूट। आप सुनिए बीट रूट के बारे में 3 पॉइंट सुनिए। पहला पॉइंट क्या है बीट रूट का? इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है? मेडिटेरियन रीजन। ठीक है ना, इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है बीट रूट का? मेडिटेरियन रीजन। सेकेंड नंबर सुनिएगा, बीट रूट में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 18। ठीक है ना, क्रोमोसोम नंबर 18। अब सुनिएगा एक और पॉइंट, कभी कभी पूछता है कि बीट रूट का टाइप ऑफ रूट कैसा होता है, तो इसका टाइप ऑफ रूट कैसा होगा? फ्यूजी फॉर्म। कैसा होगा? फ्यूजी फॉर्म। ठीक है ना, अब सुनिए नेक्स्ट बात सुनिए। नेक्स्ट सर क्रॉप आई आपकी ब्रोकली, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए सबसे पहले सुनिए, ब्रोकली का बॉटेनिकल नेम क्या होता है? सुनिए ब्रोकली का बॉटेनिकल नेम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटैलिका। सुनिएगा, फैमिली क्रूसीफेरी, क्रोमोसोम नंबर 18, इडिबल पोर्शन अनओपेंड फ्लावर बड। ठीक है ना, आप सुनते जाइएगा, अपना पेन कहाँ पे उठा लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। ब्रोकली का बॉटेनिकल नेम क्या होगा? ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटैलिका, फैमिली क्रूसीफेरी, क्रोमोसोम नंबर 18, इडिबल पोर्शन अनओपेंड फ्लावर बड। बात समझ में आई? अब सुनिएगा, इसके बाद सर नेक्स्ट आपकी क्रॉप आती है, नेक्स्ट सर क्रॉप आपकी आती है ब्रूसेल स्प्राउट। क्या आया? ब्रूसेल स्प्राउट। अब सुनिएगा, ब्रूसेल स्प्राउट का बॉटनिकल नेम सुनिएगा, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गेमीफेरा। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गेमीफेरा। ठीक है ना, बॉटनिकल नेम हो गया, फैमिली कौन सी है? क्रूसीफेरी, क्रोमोसोम नंबर 18। ठीक है ना, इडिबल पोर्शन क्या होगा? लीप्स, या कभी कभी कहेगा हेड। ठीक है ना, या लीफ का या हेड का है, तो ब्रूसेल स्प्राउट का इडिबल पोर्शन क्या होगा? हेड्स या लीफ। और सुनिएगा एक बात, ब्रूसेल स्प्राउट का कभी कभी इसको बोलते हैं मिनी कैबेज। ठीक है ना, बात समझिएगा, इसको कभी कभी बोलते हैं मिनी कैबेज। ठीक है ना, अब सुनिएगा नेक्स्ट पे आइएगा, कैबेज खूब सुना होगा इसका नाम। ठीक है, अब सुनिए कैबेज का बॉटनिकल नेम पहले सुनिए, कैबेज का बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। क्या है? कैपिटाटा। ठीक है ना, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। अब सुनिएगा, सर पूछेगा जो आपकी कैबेज है इसका एडिबल पोर्शन क्या है, तो कैबेज का एडिबल पोर्शन क्या होगा? बोलो, हेड। ठीक है ना, एडिबल पोर्शन हेड।
क्रोमोसोम नंबर 18 कितने होंगे, क्रोमोसोम नंबर 18, ठीक है ना। कैबेज में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 18, ठीक है ना। और ओरिजिन प्लेस आप जान ही रहे हैं, मेडिटेरियन रीजन, ठीक है ना। अब सर नेक्स्ट आइए, इसके बाद देखिए, ये है आपकी क्या, चिली, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मिर्च, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, मिर्च। कैबेज को हिंदी में क्या बोलेंगे, पात गोभी या पत्ता गोभी, ठीक है ना। अब सुनिएगा, कैप्सिकम, कैप्सिकम का बॉटनिकल नेम पहले सुनिएगा। कैप्सिकम का बॉटनिकल नेम होगा कैप्सिकम एनम। एक और स्पीसीज होती है इसकी, उसका नाम क्या है, कैप्सिकम फ्रूटीसेंस। बॉटनिकल नेम हो गया। अब सुनिए, इसकी फैमिली कौन सी है, इसकी फैमिली है सोलेनेसी, ठीक है। अब सुनिएगा सर, मुझे दे चिली में सर क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, तो सर चिली में क्रोमोसोम नंबर 24। अब पूछ दे चिली का ओरिजिन प्लेस क्या है, तो सर तुरंत जवाब देना है मैक्सिको। कहाँ पे है, मैक्सिको ओरिजिन प्लेस किसका है, कैप्सिकम या चिली जिसको बोलते हो। अब सुनिएगा सर, चिली से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बहुत सुना होगा। सुनिए सर, कभी कभी पूछता है कि चिली का जो तीखापन होता है, पुंजेंट कैरेक्टर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कहेंगे कड़ूपन, तो उसमें एक कंपाउंड होता है, उसका क्या नाम होता है, कैप साई सिन, सिन मतलब सीसी। तो कड़ू जो करने के लिए क्या होगा, कैप्सिकम में हमारे कंपाउंड होगा कौन सा, कैप्साइसिन, जो क्या होगा, पुंजन कटर, मिर्च खाने में जो कड़ू लगती है ना, उसका क्या कारण होता है, कैप्साइसिन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, चिली से ही है अभी सर, चिली में कभी कभी पूछता है जो मिर्च का लाल रंग होता है किस कारण होता है, कैप्सिकम का देखिए रेड कलर का है, रेड कलर किस कारण होगा, तो सर आपका क्या आंसर आएगा, रेड कलर ऑफ चिली ड्यू टू कैप शैंथिन, ठीक है ना। कैप शैंथिन के कारण मिर्च का लाल रंग कैसा होगा, लाल। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, आपने सर नेक्स्ट क्रॉप है आपकी कैरेट, जिसको हिंदी में क्या कहोगे आप, गाजर, ठीक है ना। अब सुनिए, तीन पॉइंट सुनिए गाजर से। पहला पॉइंट, गाजर का बॉटनिकल नेम क्या होगा, डॉकस कैरोटा, बॉटनिकल नेम डॉकस कैरोटा। फैमिली अम्बेली फेरी, कौन सी फैमिली होगी, अम्बेली फेरी फैमिली। क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 18, 18 क्रोमोसोम नंबर, ठीक है सर। एक पॉइंट और सुनिए सर, कैरेट का, कैरेट में सर कभी कभी पूछता है कि सर कैरेट का ओरिजिन प्लेस क्या है, तो क्या है सर, अफगानिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान ओरिजिन प्लेस ऑफ कैरेट, ठीक है सर। और इसकी सर वैरायटी भी कभी पूछता है, जैसे पूसा यमदगिनी हो गया, ठीक है, पूसा मेघाली हो गया, पूसा केसर हो गया, ठीक है ना, और चेंटने हो गया, बहुत सी वैरायटी हैं, ठीक है, कैरेट की पूछता है, ठीक है। इस पर डिस्कस नहीं करेंगे ना, तो आपका वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट सर आइए, नेक्स्ट सर क्रॉप है आपकी कॉलीफ्लावर, ठीक है सर, जिसको हिंदी में लोग क्या बोलते हैं, कॉलीफ्लावर को हिंदी में बोलते हैं फूल गोभी। इसके तीन पॉइंट सुनिए कॉलीफ्लावर का। पहला पॉइंट सुनिए, बॉटनिकल नेम क्या है कॉलीफ्लावर का, ब्रेसिका, उठाइए पेन और लिखते जाइए, ब्रेसिका ओलेरेसिया, लिखिए ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी बोट्राइटिस, ठीक है ना। और कैबिज की क्या बताई थी, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। बॉटनिकल नेम कैबिज का क्या है, कैबिज में कैपिटाटा आएगा, ठीक है ना, मतलब सी और सी, ठीक है ना, कैबिज कैपिटाटा, कैपी कैप होती है ना, इसमें जो पत्ते होते हैं कैपी तरीके होते हैं कैबेज के, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा, कैपिटाटा। और जो कॉलीफ्लावर होगा इसका क्या होगा, बोट्राइटिस। सुनिए पहला पॉइंट तो आप जान गए, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, बॉटनिकल नेम होगा किसका, कॉलीफ्लावर का। दूसरा पॉइंट, ओरिजिन प्लेस पूछेगा कॉलीफ्लावर कभी कभी, तो क्या है, मेडिटेरियन रीजन, ठीक है ना। और फिर कभी कभी पूछे सर इसका एडिबल पोर्शन क्या होगा, सर कॉलीफ्लावर का एडिबल पोर्शन होता है, सॉरी कर्ड,
CURD कर्ड एडिबल पोर्शन, ठीक है ना। कॉलीफ्लावर का एडिबल पोर्शन क्या होगा? कर्ड। अब सर नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट सर आ जाइए आप। नेक्स्ट आपका है सिलोरिका, ठीक है। इसका एडिबल पोर्शन क्या होगा? रूट होगा, ठीक है सर। इसका एडिबल पोर्शन क्या होगा? इसका एडिबल पोर्शन रूट होगा, ठीक है सर। अब नेक्स्ट आइए, बहुत इम्पोर्टेंट सर, स्लरी सुनिएगा सर। स्लरी से रिलेटेड आप दो तीन पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट, ये एक कैसी वेजिटेबल है? सैलेड वाली, जिसको आप बोलते हो हिंदी में सलाद वाली सब्जी, ठीक है ना। सलरी कैसी है? सैलेड वेजिटेबल, पहला पॉइंट, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट सुनिए, सलरी से, सलरी की फैमिली कौन सी है? अम्बेली फेरी, ठीक है ना। कौन सी फैमिली है सलरी की? अम्बेली फेरी। सुनिए फिर पूछ दे सर, सलरी में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? तो सर आपका सीधा आंसर होगा, सलरी में क्रोमोसोम नंबर 22 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, चिली, ठीक है सर। सुनिए इसका बॉटनिकल नेम कैप्सिकम और चिली, ठीक है ना। दोनों चीज़ में थोड़ा डिफरेंस है, चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका बॉटनिकल नेम होगा कैप्सिकम एनम, ठीक है ना। और उसका बॉटनिकल नेम कैप्सिकम एनम वैरायटी फ्रूटेसेंस, ठीक है ना, कैप्सिकम का, ठीक है ना। चिली का सर कभी कभी पूछता है, तीन पॉइंट सुनिए, चिली से भी तीन पॉइंट सुनिएगा सर। पॉइंट तो बहुत है मेरे पास, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इस वीडियो पे आपको अप्रॉक्स 2.5 से 3 घंटे बोल सकता हूँ इस वीडियो पर आप परेशान हो जाएंगे सुन के, इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट में बनाऊँगा और ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में लेके आता रहूँगा। ये वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा जो मैंने डिस्कस कर दिया सारा एक एक पॉइंट पे, तो अप्रॉक्स 3 घंटे का वीडियो जाएगा आपका, तो हम उतना डिस्कस नहीं करना चाहते। सुनिएगा चिली से तीन पॉइंट सुनिएगा, पहला पॉइंट सुनिए, बॉटनिकल नेम तो जान ही रहे हैं कैप्सिकम एनम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर, इसकी फैमिली कौन सी है? सर क्या चिली की जो फैमिली है सोलेनेशी है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, चिली से ही सर कभी कभी पूछा सर चिली का ओरिजिन प्लेस क्या है, ठीक है ना। चिली का ओरिजिन प्लेस क्या है? मैक्सिको, ठीक है ना। और सर फिर कभी कभी पूछेगा आपसे कि चिली में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, तो चिली में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 24 चिली में। अब सुनिए सर, ये आपकी आई क्रॉप बहुत इम्पोर्टेंट, चोकोस, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम जानते हैं क्या है? चोचो, ये है देखिए स्पेलिंग, चो चो। अब सुनिएगा इससे रिलेटेड 3 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट, सुनिए पहला सुनिए, बॉटनिकल नेम सुनिए इसका। चोचो का बॉटनिकल नेम है सीजियम इड्यूल, ठीक है। बॉटनिकल नेम सीजियम इड्यूल, फैमिली कौन सी है? कुकुरबिटेसी, ठीक है सर। फैमिली कौन सी है? कुकुरबिटेसी। तीसरा पॉइंट सुनिए, इसका सर कभी कभी पूछता है ओरिजिन प्लेस, तो ओरिजिन प्लेस क्या है सर? मैक्सिको, ठीक है ना, मैक्सिको। एक सर और पॉइंट सुनिए चोचो का, सुनिए सर जो कभी कभी पूछता है कि कुकुरबिट्स में ऐसी कौन सी क्रॉप है कुकुरबिट्स फैमिली की, जिस जो कि सिंगल सीडेड होता है, मतलब कि उस फ्रूट में केवल एक सीड होगा, वो कौन सी क्रॉप है? वो क्रॉप आपकी कौन सी है? चोचो। इसमें क्या होगा? सिंगल सीडेड होता है ये चोचो, कुकुरबिटेसी फैमिली की सिर्फ अकेला मेंबर है जो कि कैसा होता है? सिंगल सीडेड, ठीक है ना। और देखो आप वाटरमेलन ले लो, मक्समेलन ले लो, कुकुम्बा ले लो, इसमें क्या होगा? एक फ्रूट में बहुत सारे बीज होते हैं, बहुत से सीड होते हैं, ठीक है ना। ये किस फैमिली से हैं? सारे कुकुरबिटेसी फैमिली से हैं। अब सुनिएगा सर, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट पूछ रहा है सर आपसे, नेक्स्ट आपकी क्रॉप है उसमें पूछ रहा है कॉर्गलेट एंड स्क्लोपिनी, ठीक है ना। इसका सर एडिबल पोर्शन बहुत पूछा जाता है, इसका एडिबल पोर्शन क्या है? फ्रूट्स, ठीक है ना। अब सर नेक्स्ट क्रॉप आई है आप अपनी, देखिए सर नेक्स्ट क्रॉप में सर हमारा क्या है?
बहुत इम्पोर्टेंट, खीरा, कुकुम्बर, जिसको हिंदी में क्या कहोगे आप? खीरा, ठीक है। बॉटनिकल नेम लिख लीजिए क्या इसका है, कुकुमिस सैटाइवस। खीरे का बॉटनिकल नेम क्या है? कुकुमिस सैटाइवस। नेक्स्ट पॉइंट, फैमिली कुकुरबिटेसी। ओरिजिन प्लेस बहुत इम्पोर्टेंट, भारत, इंडिया। ओरिजिन प्लेस किसका? खीरे का। सर क्रोमोसोम नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 14। कुकुम्बर में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 14। ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइएगा। एलिफेंट, सॉरी एग प्लांट, सुनिए एग प्लांट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बैंगन या आउबर्जिन, ठीक है ना? बैंगन या आउबर्जिन या एग प्लांट, बैंगन को बोलते हैं, ठीक है ना? अब सुनिएगा, बैंगन से रिलेटेड 3 पॉइंट। पहला पॉइंट सुनिए, बॉटनिकल नेम सोलेनम मेलोंजेना। सोलेनम मेलोंजेना बॉटनिकल नेम। फैमिली जान ही रहे होंगे, फैमिली तो कौन सी है, एक प्लांट की फैमिली कौन सी है, मतलब कि बैंगन की फैमिली जान ही रहे, सोलेनेसी। क्रोमोसोम नंबर 24। ओरिजिन भारत, ठीक है ना? ब्रिंजल के बारे में है सारे 6 पॉइंट, ठीक है ना? बॉटनिकल हम जान ही रहे हैं क्या है, क्रोमोसोम नंबर 24 होते हैं, ठीक है ना? फैमिली सोलेनेसी होती है। ओरिजिन प्लेस क्या है? इंडिया। बात समझ में आई? अब सर आइए, नेक्स्ट आपकी क्रॉप आई फेनल, इसका सर एडिबल पोर्शन क्या होगा? बल्ब, ठीक है ना? क्या होगा एडिबल पोर्शन? बल्ब। और ये फैमिली कौन सी है इसकी? इसकी फैमिली कभी कभी पूछता है, इसकी फैमिली है एलिएसी फैमिली। कौन सी है? एलिएसी फैमिली। नेक्स्ट क्रॉप आइए, नेक्स्ट क्रॉप आपकी है फ्रेश हर्ब्स, फ्रेश हर्ब्स एंड फ्लावर क्रॉप्स, ठीक है ना? इसमें क्या है, इसमें वो वेजिटेबल्स आएंगे जिनका एडिबल पोर्शन मैक्सिमम क्या होगा? पत्तियाँ और उनके फूल्स होते हैं, फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, ठीक है ना? अब सुनिए, नेक्स्ट क्रॉप आइए। देखिए वीडियो में कोई दिक्कत हो, ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़िए, देन आई विल मैनेज एवरीथिंग। ओके नेक्स्ट पॉइंट आइए, गार्लिक। सुनिए सर, गार्लिक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनिएगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि गार्लिक का एडिबल पोर्शन क्या होगा, ठीक है ना? इसका एडिबल पोर्शन बल्ब भी कह सकते हैं आप, या क्लोव भी बोलते हैं, ठीक है ना? एडिबल पोर्शन क्या होगा? बल्ब या क्लोव, ठीक है ना? किसका? गार्लिक का, ठीक है ना? इसकी सर कभी कभी वैरायटी पूछता है, इसकी एक वैरायटी है, उसका नाम है पूसा, सॉरी एग्री फाउंड पार्वती। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है गार्लिक की, बहुत पूछता है, तो याद रखिएगा एग्री फाउंड पार्वती जो वैरायटी ऑफ गार्लिक। अब सर नेक्स्ट पॉइंट आइए, वीडियो लेंदी हो जाएगा तो सर मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। सुनिए जिंजर, सुनिएगा जिंजर की फैमिली कौन सी है? जिंजीबरेसी। बॉटनिकल नेम जिंजीबर ऑफिसिनालिस। ओरिजिन प्लेस भारत है। एडिबल पोर्शन क्या है इसका? रूट, ठीक है ना? ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है ना? तभी समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। नेक्स्ट आइए, इसके बाद क्या है? इंडियन वेजिटेबल्स, ठीक है ना? इंडियन वेजिटेबल्स में सर वो वेजिटेबल्स ये लोग कंक्लूड करते हैं जो कि मैक्सिमम इंडिया ओरिजिन रहता है, ठीक है ना? वही जिनका सीड किसी का यूज किया है, किसी का फ्रूट, किसी का लीव्स, सबका अलग अलग रहता है, वो वेजिटेबल्स आपकी इंडियन वेजिटेबल्स, ठीक है? इतना खास इनका रोल नहीं है। नेक्स्ट आइए, अभी नेक्स्ट सर पूछ रहे हैं आपसे केल, ठीक है सर? इसका एडिबल पोर्शन पूछता है आपसे अक्सर केल का, तो केल का एडिबल पोर्शन क्या है? लीव्स। अब सुनिएगा केस, दो तीन पॉइंट सुन लीजिएगा। सुनिए पहला पॉइंट, केल की फैमिली पूछेगा, केल की फैमिली कौन सी है? केल जो है आपका क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, केल में क्रोमोसोम नंबर 18 होते हैं, ठीक है ना? इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? मेडिटेरियन रीजन। किसका? केल का, ठीक है ना? अब सुनिएगा,
इसका बॉटनिकल का नेम सर कभी कभी पूछता है केल का, क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वराइटी एसी फाला, ठीक है ना, एसी फाला, ब्रेसिका ओलेरेसिया वराइटी एसी फाला, ठीक है ना। अब सुनिएगा, अब इसके बाद आप आ जाइए खोल रबी, ठीक है ना। इसका बॉटनिकल नेम बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्रेसिका ओलेरेसिया वराइटी, बोलिए गोंजिलोडस, गोंजिलोडस, ठीक है ना, ब्रेसिका ओलेरेसिया वराइटी गोंजिलोडस। क्रोमोसोम नंबर 18, ओरिजिन प्लेस, बोलो ओरिजिन प्लेस इज मेडिटेरियन रीजन, ठीक है ना, क्रोमोसोम 18, ठीक है ना। अब सुनिएगा, नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट सर बहुत इम्पोर्टेंट है कुमारा। अब सुनिए, कुमारा तो सुना भी नहीं होगा, कुमारा क्या है सर? कुमारा जो है स्वीट पोटैटो को ही बोलते हैं क्या? कुमारा, स्वीट पोटैटो को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई कोई कहता है उसको मीठी आलू, ठीक है ना, और कोई कोई इसको क्या बोलता है? शकरकंद, ठीक है ना। अब सुनिएगा, इससे रिलेटेड एक पॉइंट सुनिएगा, इसका ओरिजिन प्लेस पूछता है आपसे, स्वीट पोटैटो का ओरिजिन प्लेस क्या क्या होगा? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका ओरिजिन प्लेस, ठीक है ना। अब सुनिएगा, इसकी फैमिली पूछता है कौन सी है? कनबोल बुलेसी। क्रोमोसोम नंबर तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है सर, 90। स्वीट पोटैटो में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 90, ठीक है ना। अब सर नेक्स्ट आइए, लीक, ठीक है ना, लीक आइए, सुनिए लीक से रिलेटेड दो तीन पॉइंट सुनिएगा। पहला पॉइंट सुनिएगा, आप लिखते जाइएगा क्योंकि हर चीज़ को लिखने में थोड़ा परेशानी भी होगी और आप भी परेशान होंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, सुनिएगा, पर मैं कोशिश करता हूँ। सुनिए लीक का सर सबसे पहले पढ़ के नहीं, सुनिए, एलियम ओरम, एलियम ओरम बॉटनिकल नेम क्या है लीक का? फैमिली एलियेसी, एलियेसी फैमिली, ठीक है ना। और सुनिएगा क्रोमोसोम नंबर 32 लीक का, ठीक है ना। अब सुनिएगा सर एक पॉइंट और सुनिएगा, सुनिए लीक की फैमिली, सुनिएगा ओनियन की फैमिली, गार्लिक की फैमिली, ठीक है ना, और सलाट की फैमिली, ये तीनों फैमिली कौन सी हैं? एलिएसी फैमिली, एलिएसी या एमाइल्डिएसी फैमिली, ठीक है ना, एमाइल्डिएसी फैमिली। और सुनिएगा सर एक पॉइंट, देखिए अम्बेली फेरी फैम सॉरी एलिएसी फैमिली से जितने भी मेंबर होते हैं सब में क्रोमोसोम नंबर 16 मिलेंगे आपको, पर लेकिन लीक में कितने होंगे? 32, याद रखिए चीज़ को, लीक में क्रोमोसोम नंबर 32, ओनियन में, गार्लिक में, सलाट में सब में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 16, ठीक है ना। ये होता है टेट्रापोलाइड, ये सब होती हैं डिप्लॉयड, ठीक है ना, ये होता है टेट्रापोलाइड, इसलिए इसमें क्रोमोसोम नंबर 32 होते हैं लीक में, ठीक सर। एक्सप्लेन करने में सर बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ जैसे थोड़ा शॉर्ट ही करूँ मैं, ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्रॉप आइए आप लिटियस पे, सुनिएगा, सुनिए दो तीन पॉइंट सुनिए सर, इस वीडियो का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, कमेंट में खूब लिखेगा तीन बात सुनिए, ठीक है, तीन पॉइंट सुनिए, कमेंट में ज़रूर लिखेगा तीन पॉइंट। इस पूरे वीडियो में आपको हर क्रॉप पे तीन पॉइंट बताता हूँ मैक्सिमम में, सुनिएगा तीन पॉइंट इसके, सुनिए पहला, सुनिए लिट्यूस का, सुनिए पहला पॉइंट सर, लिट्यूस का बॉटेनिकल नेम क्या है? लिट्यूका सटाइवा, लिट्यूका सटाइवा, पहला पॉइंट सुनिए। दूसरा पॉइंट सुनिए, लिट्यूस की फैमिली कौन सी है, बोलो कमेंट करो, कंपोजिटी, लिट्यूस की फैमिली कंपोजिटी, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट सुनिए, इसमें क्रोमोसोम नंबर
18। एक अच्छा और पॉइंट सुन लीजिए, इसका एडिबल पोर्शन क्या होगा? लीफी हेड। किसका? लिड्यूस का, ठीक है ना। अब सुनिए नेक्स्ट क्रॉप पे आइए, मेलन। अब सुनिएगा, मेलन सुनिएगा पहले। देखो मेलन में, मेलन का मतलब मेलन में आपका आ जाएगा, सुनिए, वाटर मेलन, मक्स मेलन, ठीक है ना। और स्क्वैश, स्क्वैश सब का तो सिस्टम अलग होता है, पर मेलन्स में आपका दो मेलन्स होते हैं मेजर, कौन कौन से? वाटर मेलन और मक्स मेलन, ठीक है ना। ये आपके मेलन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो आप फिगर में देख रहे हैं, ये आपका वाटर मेलन हो गया, ये वाला जो रेड रेड दिख रहा है ना, ये वाटर मेलन हो गया, और ये जो है दो क्या है आपके? मस्क मेलन है, ठीक है ना, मस्क मेलन है, ठीक है। अब सर नेक्स्ट आइएगा, अब सर नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा, माइक्रो ग्रीन्स, ठीक है सर। ये इसका आइडियल पोर्शन क्या होगा? लीफ। माइक्रो ग्रीन्स वेजिटेबल है, इसका आइडियल पोर्शन लीफ होता है। अब सर नेक्स्ट पॉइंट आइए, मशरूम, ठीक है सर। ये वेजिटेबल का ही एक पोर्शन आ जाता है, तो इसमें एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जो एक्सप्लेन कर दिया इसको। देखिए मशरूम का सबसे पहले याद रखिए कि सर मशरूम, मशरूम सिटी किसे बोलते हैं? बहुत पूछता है सोलन, तो क्या बोलते हैं? मशरूम की सिटी, मशरूम का शहर, ठीक है। आप सुनिए सर, कभी कभी पूछता है कि सर मशरूम है क्या? मशरूम एक प्लांट है कि एक बैक्टीरिया है कि फंगस है कि वायरस है, क्या है? तो सर एक चीज़ याद रखिएगा, जो मशरूम है आपका ये क्या है? फंगस, ठीक है सर। अब नेक्स्ट पॉइंट आइए, अब आइए सर नेक्स्ट पॉइंट पे, ओकरा। सुनिएगा, इस पे सर मैं 45 मिनट बोल सकता हूँ कंटिन्यू, बट लेकिन वी हैव नॉट मोर टाइम, ओके। सुनिए पहला पॉइंट सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिए बॉडी नेम सुनिए ओकरा का, अवल मॉस्कस स्क्यूलेंटस, स्क्यूलेंटस, अवल मॉस्कस स्क्यूलेंटस, पहला पॉइंट सुनिए। एक पॉइंट और सुनिए, तीन पॉइंट का कॉन्सेप्ट है अपना, पहला पॉइंट सुना, दूसरा पॉइंट सुनिए ओकरा का, दूसरा पॉइंट सुनिए। पहला पॉइंट तो बॉटिंगन नेम हो गया एवल मस्कस स्क्यूलेंटस, दूसरा पॉइंट सुनिए, फैमिली पूछता है ओकरा की, बहुत कौन सी है? मालवेसी, मालवेसी, ओके। थर्ड पॉइंट सुनिएगा, क्रोमोसोम नंबर 130। चौथा पॉइंट एक और सुन लीजिएगा, बोनस है ये, ओरिजिन प्लेस पूछता है। अब की बार यूपी कैट का पेपर हुआ पीएचडी का, उसमें आया था 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो पेपर हुआ यूपी कैट का 20 तारीख को, ठीक है ना, अगस्त में जो हुआ है। सुनिए ओरिजिन प्लेस पूछा था ओकरा का, तो क्या है ओरिजिन प्लेस? अफ्रीका, ठीक है ना, अफ्रीका ओरिजिन प्लेस किसका है? ओकरा का। सुनिएगा एक पॉइंट और बोनस लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए ओकरा एक पॉइंट बहुत है सर, कभी पूछता है कि हमारा जो देश है ओकरा के प्रोडक्शन में हमारे देश का कौन सा स्थान है? सर याद रखिएगा, ओकरा के प्रोडक्शन में हमारे देश का भारत की फर्स्ट रैंक है, सबसे ज़्यादा ओकरा प्रोडक्शन हम ही लोग करते हैं भारतीय, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओकरा, ठीक है ना सर। अब सेकेंड बात सुनिए, हमारी पहली रैंक किस में है? ओकरा प्रोडक्शन में। अब सुनिएगा दूसरी रैंक किस में है? सुनिए सर, दूसरी रैंक हम लोगों की है कैबेज, काली फ्लावर, ये सर नया डेटा मैं आपको बता रहा हूँ एनएचबी का, कहीं गलत पढ़ाओ पुराना तो एक बार वेरीफाई कर लेना एनएचबी के साइड से, देन कोई कमेंट हो देन आप कमेंट मुझे दीजिएगा, ये मैं आपको डेटा नया दे रहा हूँ एनएचबी का, उसमें है ये, ठीक है ना। अब सुनिएगा, वीडियो लंदी हो जाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ आपके लिए, जो आप कमेंट करिए मैं वो वीडियो दूंगा आपके, बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, जो ज़्यादा अच्छा लगे तो औरों को पास शेयर करना, और लोगों को बताना, ठीक है ना। यदि कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो में, कोई चीज़ समझ में ना, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा।